फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन भारद्वाज, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्माइल एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट चैप्टर जिसके अंदर किस चीज के बारे में हम सीखेंगे, टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर किस किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, या प्लांट्स के बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है, हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू के बारे में। क्लियर? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू, फर्स्ट वन वी हैव टू डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यू क्या है? सेल्स का एक ग्रुप विच हैव सिमिलर ओरिजिन, विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। और सारी की सारी सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं, परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, दैट इज नोन एज टिश्यू। क्लियर? साइंटिस्ट बिकेट ने टर्म टिश्यू दी थी, और टिश्यू क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू। लास्ट जो चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां हमने सेल के बारे में सीखा था। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट टिश्यू। तो पहले देख लेते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर मेनली जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं टू टाइप की। कितने टाइप्स के? टू टाइप की। फर्स्ट वन इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? टू टाइप के, मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है, यानी प्लांट्स की हाइट जो है वो लगातार बढ़ती रहती है जब तक प्लांट्स का लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं हो जाता, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके पास कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, ये थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। कैसी प्रॉपर्टी है? थ्रू आउट लाइफ डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, जबकि ये डिवाइड नहीं कर सकते, इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो लॉस हो जाती है। मीन्स मेरिस्टमैटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, कब? जब इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये फर्दर टू टाइप में डिवाइडेड होते हैं। परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कितने टाइप के परमानेंट टिश्यू? टू टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं ये फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा। कौन सा है पहला? पैरेन्काइमा। सेकेंड वन कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और थर्ड वन स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड वन कौन सा होता है? स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल जो टिश्यूज होते हैं वो कितने होते हैं? थ्री, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे टिश्यू, ऐसे परमानेंट टिश्यू जो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने हैं, उनको नाम देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम जो परमानेंट टिश्यू थे वो थ्री टाइप के, यानी ऐसे टिश्यू जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है, यानी ऐसे टिश्यू जो दो या दो से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बनते हैं, वो है दो, जाइलम और फ्लोएम. अब जाइलम और फ्लोएम की फर्दर जो है वो टाइप्स होती हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी थ्री टाइप्स का होता है. प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप्स का. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज इंटरकैल्वी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सेकेंड वन कौन सा है? इंटरकैल्वी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? थ्री टाइप्स की. एपिकल जनरली रूट और स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है. इंटरकैल्वी जनरली इलोंगेशन के लिए यूज होता है, तो स्टेम की लेंथ को इलोंगेट करता है. लेटरल जनरली ग्रथ को, चौड़ाई बढ़ाने के लिए, यानी डायमीटर को बढ़ाने के लिए यूज में आता है. यहां तक समझ में आया? ये तो था फंक्शन के बेस पर या फिर पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन. लेकिन यदि बात करें ओरिजिन के बेस पर, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन कौन से हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. यदि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से अराइज हुए हो, उनको नाम देते हैं द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच अराइजेस फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड द टिश्यू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच अराइजेस विच हैव ओरिजिन सेकेंडरी मीन्स अराइजेस फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू. प्लांट्स के अंदर क्या होता है? परमानेंट टिश्यू, कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाते हैं कि परमानेंट टिश्यू वापस से मेरिस्टेमेटिक के अंदर चेंज हो जाता है, तो उनको नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो यहां तक समझ में आई बात? अभी हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा परमानेंट टिश्यू भी होता है. परमानेंट टिश्यू टू टाइप का था. सिंपल, सिंपल में हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. और जो कॉम्प्लेक्स थे वो टू टाइप की, जाइलम और फ्लोएम. क्लियर? जिसमें जो जाइलम टिश्यू होता है वो मेनली फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है, मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है. और जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो मेनली हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. तो ये था कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट्स टिश्यू. अब डिफरेंशिएशन देख लेते हैं एनिमल्स की बॉडी में कैसे होता है टिश्यू का. तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर सिर्फ फोर टाइप के टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं. कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? फोर टाइप्स की. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट वन कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू. क्लियर? इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं स्क्वमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर. वो हम स्टडी करेंगे जब एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल से. सेकेंड वन इज कनेक्टिव. सेकेंड वन कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू. सेकेंड वन, थर्ड वन कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू. एंड फोर्थ वन इज नर्व टिश्यू. फोर्थ वन कौन सा होता है? नर्व टिश्यू. तो ये समझ में आया? इधर कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट प्लांट्स टिश्यू एंड स्पेशली डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में.
तो यहां तक आप लोगों को जो डिफरेंसिएशन समझाया गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।